हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक। कपड़े धागे से कपड़े कैसे बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, वी विल डू स्टडी अबाउट द फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर एंड फैब्रिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर। नेचुरल एंड मैनमेड मीन्स सिंथेटिक फाइबर में क्या अंतर होता है? अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग फैब्रिक। फैब्रिक बनाने में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कपड़े किस किस तरह से बनाए जाते हैं। एनालिसिस द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर, देयर सोर्सेज एंड यूजेस। डिफरेंट टाइप के फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और उनके सोर्स और उनके यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। बच्चों, हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं लाइफ की, जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है, उनमें आते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, कपड़ा, भोजन और मकान। इन तीनों चीज़ों के बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। बच्चों, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स कोल्ड, रेन, स्नो, एक्सट्रीम हॉट वेदर, इंसेक्ट बाइट। हम कपड़े अपने आप को सर्दी, गर्मी, बरसात, मच्छरों से बचाने के लिए पहनते हैं। इसके अलावा दे डेवलप आर पर्सनैलिटी एंड मेक अस टू लुक सिविलाइज्ड। इसके अलावा कपड़े हमें सिविलाइज्ड बनाते हैं। बच्चों, हम डिफरेंट तरीके, अगर अच्छे तरीके से कपड़े पहनते हैं तो हम सिविलाइज लगते हैं, सभ्य लगते हैं, और हम पुअर तरीके से कपड़े पहनते हैं तो असभ्य लगते हैं, तो हमें वो कपड़े सिविलाइज भी बनाते हैं। हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। सर्दी में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मी में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तुमने देखा होगा कि पंजाब में लोग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, महाराष्ट्र में अलग तरह से पहनते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग तरह से, और दूसरे स्टेट्स में अलग, सब स्टेट्स में अलग अलग तरह के पहनावे होते हैं। पुराने समय में, इन ओल्ड डेज, पीपल यूज टू लीव्स एंड एनिमल स्किन एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देमसेल्व्स। अपने आप को कवर करने के लिए कपड़े पेड़ की छाल, पत्तियां और एनिमल स्किन से अपने शरीर को ढकते थे। लेटर ह्यूमंस लर्न टू यूज़ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल एंड सिल्क टू वीव देयर क्लोथ्स यूजिंग स्पिनिंग व्हील्स एंड नीडल्स। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने कपड़े बनाना सीख लिया और कपड़े बनाकर वो कॉटन और सिल्क और वूल से कपड़े बनाना सीख लिया यूजिंग किसे, स्पिनिंग व्हील्स, जो व्हील होता है तकली जिसको बोलते हैं, निडल या चरखे से उन्होंने कपड़े बनाने सीख लिए। इट इज़ ओनली द रिसेंट ईयर्स दैट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ऑल्सो। अभी कुछ वर्षों से फाइबर केमिकल से भी बनने लगे हैं, और ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ लाइक शर्ट, ट्राउज़र, बेड शीट्स, रग्स वगैरह वगैरह सब किससे बनते हैं? फाइबर के बने होते हैं, धागे के बने होते हैं, थ्रेड के बने होते हैं। दस द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज फाइबर आर। बच्चों, जो आज के टाइम में डिफरेंट टाइप के कपड़े यूज़ होते हैं, फैब्रिक्स यूज़ होते हैं, उनमें आते हैं सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, सिल्क के कपड़े और सिंथेटिक कपड़े। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन, वुलन क्लोथ्स इन विंटर, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ्स व्हेन वेदर इज नीदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड। हम सूती कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, ऊनी कपड़े विंटर में पहनते हैं, और सिल्क और सिंथेटिक कपड़े मौसम के अनुसार पहनते हैं, जब मौसम ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। और बच्चों, बारिश के दिनों में हम थोड़ा सा सिंथेटिक कपड़े यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो सूख जल्दी जाते हैं। फाइबर एंड फैब्रिक, धागा और कपड़ा। फाइबर इज़ ए सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। बच्चों, फाइबर जो होता है वो एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, एक बिल्कुल बाल जैसा धागा सा होता है, अ थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ
स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स, एक बहुत पतला धागा जो हम देखते हैं वो एक बहुत बारीक धागे से बनता है। मैनी फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न और ए थ्रेड, बहुत सारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके, आपस में ट्विस्ट करके, ऐसे ऐसे जैसे हम चोटी बनाते हैं, ट्विस्ट करके उसको यार्न बनाया जाता है और थ्रेड बनाया जाता है। अ सिंगल फाइबर इज़ वेरी डेलिकेट एंड कैन नॉट बी वूवन इनटू फैब्रिक, जो सिंगल फाइबर होता है बहुत नाजुक होता है और उसको हम फैब्रिक में नहीं बुन सकते, उससे क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। द यार्न इज़ वूवन इनटू फैब्रिक और क्लॉथ, यार्न से फैब्रिक और कपड़े बनते हैं। इट इज़ द मटेरियल वी यूज़ फॉर क्लोथिंग, जो यार्न है वही यूज़ होकर फैब्रिक बनाता है और फैब्रिक से कपड़े बनते हैं। कॉटन फाइबर से कॉटन फैब्रिक बनते हैं, सूती धागे से सूती कपड़े, वूल के फाइबर से वुलन फैब्रिक बनते हैं। फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न विच इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स, फैब्रिक यार्न से बनते हैं जिनसे हम जिनसे धागे से बनते हैं, मतलब फैब्रिक जो है यार्न से बनते हैं और यागे और धागे किससे बनते हैं, फाइबर से। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइबर, फाइबर के सोर्सेज क्या क्या है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम फाइबर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी हम से भी हम फाइबर्स बनाते हैं। वी गेट कॉटन जूट हेम्प रेयन फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। बच्चों हम कॉटन और जूट किससे, कॉटन जूट हेम्प और रेयन, हम ये तीनों हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल शीप गॉट रैबिट याक और कैमल से मिलता है, और सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है। नाउ होते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल और सिंथेटिक। बच्चों नेचुरल में आते हैं कॉटन, सिल्क और कोकोनट, ठीक है, एंड सिंथेटिक में आते हैं पॉलिस्टर एंड नाइलॉन। नेचुरल फाइबर्स आर फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, नेचुरल फाइबर वो हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, एग्जाम्पल हैं कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर, बच्चों यहाँ पर दे रखा है प्लांट्स के फाइबर्स कौन से हैं, प्लांट्स यानी हमें प्लांट फाइबर कौन कौन से प्लांट से मिलता है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है जिससे कॉटन क्लॉथ बनते हैं, जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है जिससे जूट के कपड़े बनते हैं, बैग वगैरह हम बनाते हैं, एनिमल शीप से हमें वूल मिलता है और इंसेक्ट से हमें सिल्क मिलता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, बच्चों सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर विच आर मेड बाय मैन एंड ऑल्सो दे आर मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ केमिकल्स एंड दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम्स एंड क्रूड ऑयल। बच्चों इसमें कॉमन सिंथेटिक फाइबर हैं रेयन, नाइलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर वगैरह वगैरह, एंड रेयन इज ए आर्टिफिशियल सिल्क लाइक फाइबर, इट रिजेंबल्स विद द सिल्क एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वुड पल्प, ये वुड पल्प से बनाया जाता है और सिल्क से रिजेंबल करता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में बच्चों पॉलिस्टर और कॉटन में कॉटन, सिल्क, फैब्रिक, इनको मिक्स करके, इनको ब्लेंड करके बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को ब्लेंड करके बनाया जाता है। पॉलिस्टर कॉटन को मैं ब्लेंड करके, मिक्स करके पॉली कॉटन बनता है, पॉलिस्टर और सिल्क को मिक्स करके पॉली सिल्क बनता है।
एडवांटेजेस ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर के एडवांटेज एक्चुअल में क्या है बच्चों, कॉटन जो था उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड ज़्यादा बढ़ी, लेकिन सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, तो वो थोड़ा सा लिमिटेड बनता है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को बनाया गया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सिंथेटिक फैब्रिक इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, रिंकल नहीं पड़ते, सिकुड़ता नहीं है और आसानी से जल्दी सूख जाता है, आयरन की ज़रूरत नहीं होती, प्रेस की ज़रूरत नहीं होती और इजी टू क्लीन, आसानी से क्लीन भी हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अनकंफर्टेबल होता है गर्मी में पहनने के लिए, क्योंकि ये स्वेट नहीं सोखता और हवा को पास होने नहीं देता, आग को जल्दी पकड़ लेता है और जलने पर टॉक्सिक गैसेस इवॉल्व करता है, और ये इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आर दो सब्सटेंस विच डोंट डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। बच्चों नेचुरल फाइबर नेचर में, प्रकृति में मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये प्लांट्स, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड होते हैं। नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, वो नेचुरल फाइबर की तरह कंफर्टेबल नहीं होते, गर्मी में सिंथेटिक फाइबर नहीं पहने जाते, और नेचुरल फाइबर में नेचुरल कलर होते हैं और सिंथेटिक फाइबर डिफरेंट कलर के बनते हैं। इनको, नेचुरल फाइबर को डाई करना आसान नहीं है, और नेचुरल फाइबर को डाई करना आसान है, किसी भी कलर में हम डाई कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर को डाई करना आसान नहीं है। नेचुरल फाइबर को बर्न करने पर ये पेपर की तरह स्मेल देते हैं। सिंथेटिक फाइबर टॉक्सिक केमिकल्स के बने होते हैं और जलने पर पेट्रोलियम की स्मेल देते हैं। फैब्रिक नेचुरल फाइबर के द्वारा जो फैब्रिक बनता है वो थोड़ा सा महंगा होता है सिंथेटिक की फाइबर की अपेक्षा, सिंथेटिक फाइबर सस्ते होते हैं। नेचुरल ड्यूरेबल होते हैं और कम ड्यूरेबल होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। नेचुरल फाइबर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ये एनवायरमेंट को नुकसान देते हैं जलने पर, और वैसे भी एब्जॉर्ब, नेचुरल फाइबर पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, वाटर रेपेलेंट होते हैं। नेचुरल फाइबर ड्राई होने में ज़्यादा समय लेते हैं, सिंथेटिक फाइबर जल्दी ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सम प्लांट्स फाइबर। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉटन, इनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कॉटन के लिए। बच्चों कॉटन बेस्ट ग्रो इन द वेदर ऑफ वार्म एंड सनी, हल्की सी गर्मी में ये अच्छे उगते हैं। इनके लिए जो वेदर है वो ड्राई होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम, रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 50 cm to 80 cm इसके लिए पर्याप्त है, और ब्लैक सॉइल में वाटर और मॉइस्ट ज़्यादा रिटेन होता है, तो इनके लिए अच्छी है, सूटेबल है। वेयर इज़ कॉटन ग्रोन, कॉटन कहाँ ग्रोन हो, कहाँ उगाई जाती है। कॉटन इज़ ग्रोन इन चाइना, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, इन इंडिया। द मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं यूजेस। एडिशन टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इज़ यूज टू मेकिंग विक्स ऑफ लैम्प, जो हम दिए में बत्ती जलाते हैं उसके लिए, या लैम्प में जो बत्तियां जलाते हैं उसके लिए। फिश नेट्स, कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी छानने के लिए, टेंट बनाने के लिए और बुक बाइंडिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट,
कॉटन प्लांट से किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड बॉल्स। जो फ्रूट होती है कॉटन प्लांट की उसको बच्चों बॉल्स कहते हैं। वेन दीज बॉल मेच्योर, जब ये बॉल मेच्योर होती हैं तो बस्ट हो जाती हैं, ओपन होती हैं और सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर, जो बीज होता है जिसको बिनोला कहते हैं वो कॉटन फाइबर से कवर होता है, देख सकते हो। कॉटन इज़ यूजली पिक बाय हैंड, हाथों से इसको निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेट फ्रॉम सीड्स, फाइबर को फिर सीड से सेपरेट कर लेते हैं और जो सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग, उसको गिनिंग कहते हैं। गिनिंग जो है वो नेचुरल चरखा से और की जाती है और ना अब जो है मशीन से चरखा को रिप्लेस कर दिया, मशीन से भी की जाती है। नेक्स्ट आते हैं जूट। जूट नेचुरल फाइबर है और कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रेस्ड हैंड, बच्चों जो रफ धागे में इसको बुना जाता है। ये लंबा होता है नेचुरल फाइबर विद गोल्डन सिल्की एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन सिल्की लुक देता है इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट जो है ये जूट के बार्क यानी छाल से इसको निकाला जाता है। द लेंथ ऑफ द फाइबर बिटवीन 1 to 4 meter विद डायमीटर 17 to 20 माइक्रोन्स। जो इसका धागे की लंबाई है, एक धागे का लंबाई 1 to 4 meter तक होती है और इसका डायमीटर 17 to 20 माइक्रोन तक होता है। सम कंडीशन नेसेसरी टू ऑब्टेन जूट, जूट के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए। जूट के क्रॉप ऑफ हॉट मॉइस्चर क्लाइमेट रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। इसको एलेवल सॉइल और रिवर बेसिन में उगाया जाता है। जूट को बारिश के दिनों में उगाया जाता है और जब इसके फूल आ जाते हैं तब उसको काट लिया जाता है। हार्वेस्टेड प्लांट इमर्ज इन वाटर, कटे हुए प्लांट को पानी में डाल देते हैं कुछ दिन के लिए, उससे जो जूट का स्टेम है वो थोड़ा सा रॉटन मीन्स सड़ जाता है, फिर उसको सेपरेट कर देते हैं रॉटन बाग से हाथ के द्वारा। और द प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग जूट फाइबर फ्रॉम रॉटन बाग ऑफ द जूट स्टेम इज नोन रैटिंग। जूट फाइबर को रॉटन बाग, सड़ी हुई बाग से हटाना, गली हुई बाग से हटाना रैटिंग कहलाता है। लेटर द जूट फाइबर्स ट्विस्टेड, जूट फाइबर को ट्विस्ट करके क्या बना देते हैं, यार्न बना देते हैं, धागा बना देते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न इज नोन एज स्पिनिंग, और यार्न बनाना क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। जूट कहाँ पर उगाई जाती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया रॉ जूट का, और दूसरे कंट्री हैं जूट के बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल एंड चाइना। भारत में जो जूट प्रोड्यूस होती है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा और मेघालय में होती है। जूट के यूजेस, जूट इज स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज्ड इन मेकिंग कोट्स, क्लॉथ, गनी बैग्स, सैक्स, कारपेट, हेसन क्लॉथ बैग्स एंड कर्टेन एट्सेट्रा। जूट से बच्चों ये बोरी वगैरह बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं। वेरी फाइन थ्रेड ऑफ जूट फाइबर कैन बी मेड इनटू इमिटेशन सिल्क, और सिल्क बहुत फाइन जो थ्रेड होते हैं उससे सिल्क की नकल का कपड़ा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट बेनिफिट। जूट फाइबर इज 100% बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइक्लेबल एंड दस एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जूट का जो है फाइबर वो बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज हो जाता है,
रिसाइकल भी हो जाता है, इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अ हेक्टेयर ऑफ जूट प्लांट कंज्यूम अबाउट 15 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज 11 टन्स ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि एक हेक्टेयर में जो जूट प्लांट होते हैं वो लगभग 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और 11 टन ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं। कल्टीवेटिंग इन जूट इन क्रॉप रोटेशन इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप ऑल्सो, इट डज नॉट जनरेट टॉक्सिक गैसेस व्हेन बर्न्ड। जो जूट की फसल है वो क्रॉप रोटेशन में की जा सकती है, यानी ये इसमें ये नाइट्रोजन को एनरिच करती है सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है और जलाने पर टॉक्सिक गैस भी नहीं निकालती है।